तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और यहाँ पे आज मैं परफॉर्म करूँगा एक कॉम्बो वर्कआउट ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ चेस्ट एंड बैक। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं चेस्ट और बैक दोनों को एक साथ ट्रेन करूँगा। सो दोस्तों, अगर वर्कआउट कैटेगरी की बात करें तो ये एक एडवांस ट्रेनिंग है। सो अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा वर्कआउट करते हुए हो गए हैं तभी इस वर्कआउट स्प्लिट को आप फॉलो करें। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वर्कआउट स्प्लिट नहीं है, आप बेसिक वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आपको वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आपको इस वर्कआउट प्रोग्राम की पूरी डिटेल आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे हम वर्कआउट ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे हम सुपर सेट के साथ साथ हम हाई वॉल्यूम यानी कि हाई रैप, लो रैप, हैवी वेट, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस सबको कंप्लीट ट्रेन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पहला दिन है और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे एक कॉम्बो ट्रेनिंग जो कि चेस्ट और बैक के साथ होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले वार्म अप सेट, जहाँ पे हम लगाएंगे पुशअप्स और पुलअप्स, यानी कि दोनों के तीन तीन सेट लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो रैप रेंजेस होंगी वो 15 से 20 रैप होंगी। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और वार्म अप सेट ले रहा हूँ जो कि एक फ्लैट बेंच प्रेस, जहाँ पे मैं 25 से 30 रैप परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मेरा जो चेस्ट का एरिया है, जो चेस्ट मसल है, वो अच्छे से वार्म हो जाए ताकि मेरे जो इंजरी के चांसेस ना हो। और क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे हम हाई रैप भी परफॉर्म करेंगे और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे हैवी लिफ्ट भी करेंगे, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो मसल है वो प्रिपेयर हो जाए हैवी लिफ्टिंग के लिए और हैवी वर्कआउट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पुशअप्स और पुलअप्स कवर नहीं किया है, तो दोस्तों आप वार्म अप सेट जरूर लगाएं जहाँ पे आप 3 सेट पुशअप्स के लिए और 3 सेट पुलअप्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि है बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस। और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे 6 सेट, जहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग के पहला सेट होगा वो 15 से 20 रैप तक जाएगा, दूसरा हमारा जाएगा 12 से 15 के बीच में, और तीसरा सेट होगा हमारा वो होगा 10 से 12 के बीच में। उसी के साथ साथ चौथा सेट होगा हमारा वो 6 से 10 के बीच में रखेंगे, और जो पांचवा और छठा होगा वो हमारा 4 से 6 के बीच में रखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको हर एक सेट में वेट को इंक्रीज करते जाना है और अपना जो रैप रेंजेस है उसको डिक्रीज करना है। और दोस्तों, हर एक सेट में आप फेलियर तक जरूर जाएं, अपना फेलियर जरूर हिट करें ताकि आपका जो हर एक सेट है वो एक चैलेंजिंग हो आपके लिए। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज का ये मेरा लास्ट सेट है जो कि एक हैवीएस्ट सेट है, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अपना हैवी वेट जो है वो मैंने चूज़ किया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग वेट को चूज़ करना है कि आप कितना हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अपने वेट को लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे अपने जो जिम पार्टनर की हेल्प ज़रूर ले ताकि आपका जो लास्ट के जो रैप है वो निकल आराम से निकल सके, इजिली परफॉर्म हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है बेंट ओवर बारबल रो। और यहाँ पे मैं एक वार्म अप सेट ले रहा हूँ अपने बैक के लिए, जिसमें मैं परफॉर्म करूँगा 25 से 30 रैप। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने बैक को वार्म करना ज़रूरी है ताकि हम बैक के लिए हैवी लिफ्ट कर सकें और हमारा जो इंजरी के चांसेस हो वो ना के बराबर हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 25 से 30 रैप परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया बेंट ओवर रो। और यहाँ पे हम अगेन 6 सेट परफॉर्म करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने अभी जो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई है, जिसमें हमारा रैप रेंजेस रहेगा पहले सेट में 15 से 20 रैप, दूसरे सेट में 12 से 15 रैप, तीसरे सेट में 10 से 12 या फिर 8 से 12 रैप,
और चौथे सेट में आपका जो रहेगा 6 से 10 रैप, और जो आपका लास्ट के 2 सेट होंगे यानी कि पांचवा और छठा, वहाँ पे हमारा रैप रेंजेस रहेंगे 4 से 6 रैप। तो दोस्तों यहाँ पे हैवी लिफ्टिंग आपको करनी है, जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप रैप को डिक्रीज करते जाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया आज चेस्ट की एक्सरसाइज में। तो दोस्तों आपको हमेशा हर एक सेट में फेलियर रैप तक ज़रूर जाना है, अपना फेलियर हिट ज़रूर करें। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको रैप रेंजेस दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेट में मैंने 15 से 20 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फेलियर हिट जो होगा वो 15 से 20 के बीच में होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक सुपर सेट है, यानी कि यहाँ पे हम 2 एक्सरसाइज को एक साथ परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम पहली जो एक्सरसाइज होगी सुपर सेट की वो होगी इनक्लाइन डंबल प्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ साथ हम परफॉर्म करेंगे बैक मशीन रो। और दोस्तों यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेट की बात करें तो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे 4 सुपर सेट, जहाँ पे हम पहले सेट में परफॉर्म करेंगे 15 से 20 रैप, दूसरे सेट में परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे 12 से 15 रैप, तीसरे सेट में परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे 8 से 10 रैप, और चौथे सेट में हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे 6 से 8 रैप। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 सुपर सेट परफॉर्म करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोनों एक्सरसाइज के बीच। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मशीन रो लगा रहा हूँ, तो दोस्तों ये मशीन अगर आपके जिम में नहीं है तो यहाँ पे आप सीटेड केबल रो लगा सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक लास्ट एक्सरसाइज है, और ये भी एक सुपर सेट है हमारे पिछली एक्सरसाइज की तरह, और यहाँ पे अगेन हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे, यानी कि 4 सुपर सेट परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं हाई केबल क्रॉसओवर, और उसी के साथ लगाएंगे हम वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन हमारा जो रैप रेंजेस होगा वो सेम होगा एज पर द प्रीवियस एक्सरसाइज, जिसमें हम पहले सेट में लगाएंगे 15 से 20 रैप, उसके बाद हम लगाएंगे 10 से 12 रैप, फिर उसके बाद लगाएंगे हम 8 से 10 रैप, फिर वही 6 से 8 रैप के बीच। तो दोस्तों जैसे ही मेरा केबल क्रॉसओवर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है, तो मैं अपने सुपर सेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पहुंचता हूं, जो कि है एक वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। और यहाँ पे दोस्तों मेरा जो हमारे जिम में जो मशीन है वो अलग है, अगर आपके जिम में जो कॉमन लैट पुल डाउन की मशीन है आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी वर्कआउट है वो कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे हमने परफॉर्म किया एक कॉम्बो वर्कआउट, जहाँ पे हमने चेस्ट और बैक को एक ही दिन एक साथ परफॉर्म किया। तो चलिए दोस्तों अब चलेंगे हम वर्कआउट प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं वर्कआउट प्रोग्राम को।
सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कआउट प्रोग्राम को मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है, जहां पे मैं डे वन को लगाऊंगा चेस्ट एंड बैक, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे हमारा जो डे टू होगा, वहां पे हम परफॉर्म करेंगे शोल्डर्स एंड लेग्स। उसी के साथ हमारा जो होगा डे थ्री में, हम लगाएंगे आर्म्स यानी कि बाइसेप ट्राइसेप्स, और उसी के साथ साथ हम लगाएंगे काफ। और चौथे दिन ही यानी कि फोर्थ डे में लगाएंगे हम ट्रैप्स, कार्डियो एंड एप्स। और पांचवा दिन जो होगा हमारा वो रेस्ट का होगा। तो दोस्तों, छठे दिन को आपको फिर से डे वन से रिपीट करना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, फर्दर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप डायरेक्ट मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं।